मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेसमैन विवेक बिंद्रा लगातार विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं और उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी हाल ही में विवेक बिंद्रा पर उनकी पत्नी के साथ मारपीट करने के आरोप में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। बता दें कि विवेक बिंद्रा पर अपनी पत्नी के साथ मारपीट, गाली गलौज और उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। बीते 14 दिसंबर को नोएडा 126 सेक्टर स्थित थाने में विवेक बिंद्रा के खिलाफ गाजियाबाद निवासी वैभव क्वात्रा ने FIR दर्ज कराई थी। वैभव द्वारा दर्ज कराई गई FIR के अनुसार शादी के बाद ही 7 दिसंबर की सुबह बिंद्रा अपनी मां से बहस कर रहे थे, जिसका शोर सुन के यानिका बीच बचाव करने पहुंची। बीच बचाव के बीच बिंद्रा ने यानिका को कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने गुस्से में अपनी पत्नी यानिका के बाल खींचे, जिसके घाव के निशान अभी भी यानिका के सिर पर हैं। बिंद्रा ने अपनी पत्नी को गाल पर थप्पड़ भी मारा, जिससे उनके एक कान का पर्दा फट गया। उसके बाद बिंद्रा ने यानिका का फोन भी तोड़ दिया। उक्त घटना के बाद आनन फानन में यानिका को दिल्ली के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इसी मामले से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रही महिला को यानिका बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रही महिला अपने शरीर पर लगे चोट के निशानों को डॉक्टर को दिखा रही है। इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि वह सभी पक्षों और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रहे हैं। जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।